दोस्तों हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान की, जिसमें आपको पोच डिजाइन और लो बजट हाउस प्लान मिलता है। 3 बेडरूम हाउस प्लान है, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मॉडल को, इसमें चारों तरफ बाउंड्री वॉल से मैंने इसे कवर की है। बेहतरीन सा मॉडल है, 28x50 का 28x50 फिट में पूरा मकान डिजाइन किया हुआ है। और इसमें 3 बेडरूम है, आगे पार्किंग का एरिया है, पोच डिजाइन है और आपका बेहतरीन सा रेलिंग। इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए शोरूम लगातार। मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो आज का जो प्लान है 28x50 फिट में, उसे डिस्क्राइब करने से पहले मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिले। इसमें रेलिंग का जो डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है वो आपको रियलिस्टिक तरीके से देखने को मिले, बारीकी से देखने मिले, जिसे आप जब भी आप बनवाएं तो बहुत ही आसानी से अपने मिस्त्री से इसे बनवा सकें। तो सबसे पहले इसमें क्या है, फ्रंट एलिवेशन आपका ये है, जिसमें पोर्च मैंने डिजाइन किया है। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे ये स्टेयर्स हैं, जिसके माध्यम से आप ऊपर चढ़कर जाएंगे। और ये आपका आगे रेलिंग मैंने बनाया है, ये छोटे छोटे दो पिलर हैं, इसका रेलिंग का डिज़ाइन यहाँ पर दिया है। और इसके बाद जैसे आगे जाते हैं तो आपको ग्रीन एरिया चारों तरफ मिल जाता है। इसका ये आपको पोर्च का डिज़ाइन मिलता है, इसमें दो पिलर दिए हैं। इसका ये लगभग 12x12 फिट का पोर्च का डिज़ाइन है। और इसका ये मेन डोर है, जहाँ से आप एंट्री करेंगे। फ्रंट में एक ये आपका विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और राइट साइड में भी एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए। तो जैसे आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा हॉल टाइप का मिल जाता है। इसका ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में विंडो था, ये किचन का एरिया है, इसमें आप किचन अपना बनवा सकते हैं, मतलब कि इसलिए अंदर से डोर दिया है। किचन के जस्ट बगल में आपकी स्टेयर्स है, जिसके माध्यम से ऊपर जाएंगे और टर्न होकर फिर राउंड होकर इधर आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पर देखिएगा आपको एक बड़ा सा बेडरूम देखने को मिलता है। ये बड़ा सा एक बेडरूम है, जिसमें डोर ये दिया है। इसके बाद इसके जस्ट पीछे एक और बेडरूम है, और इस बेडरूम में अटैच लेटर्न बाथ भी मैंने इस कॉर्नर पर दिया है। तो एक के बेडरूम आपका फ्रंट में, आगे वाला ये हो गया। इसके बाद फिर से इसके पीछे एक बेडरूम है, उसके साथ अटैच लेटर्न बाथ, और ये एक छोटा सा स्पेस है जो कि वेंटिलेशन के लिए मैंने छोड़ा है। आप यहाँ जाल रखवा सकते हैं, इससे घर में प्रॉपर तरीके से रोशनी आपके आती रहे। इसके बाद ये इस कॉर्नर पर एक बेडरूम आपको देखने को मिलता है, ये एक बड़ा सा किचन एरिया आपको, सॉरी यहाँ पर लेटेंट बात एक और मैंने जो कि कंबाइंड है ये इस्तेमाल किया है। ये आपका स्टोर रूम है, आप एज आ स्टोर रूम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर चाहें तो आप इसे पूजा घर भी बना सकते हैं। तो 3 बेडरूम के साथ पहला बेडरूम ये है, दूसरा बेडरूम है, इसमें अटैच लेटेंट बात है, ये आपका जाल रखने के लिए, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर एरिया है। इसका एक ये बेडरूम है, एक कंबाइंड लेटेंट बाथ है, एक स्टोर रूम है, स्टेयर्स है, फ्रंट में किचन है, और आपका एक बेहतरीन सा पोर्च का डिज़ाइन भी आपको आगे देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा मैक्सिमम जूम करके मैं और दिखाता हूँ। विंडो का डिज़ाइन जो है आपका देखिएगा प्रॉपर तरीके से, वॉल्स वगैरह सारा डिटेल जो भी है, तो आपको और आसानी से ये मॉडल पूरा समझ में आ जाएगा। तो 28x50 3 बेडरूम हाउस डिज़ाइन है। लास्ट फ्लोर की बात करें, चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री, फ्रंट में ये ग्रिल इस्तेमाल की, जो कि नॉर्मल सी ग्रिल है, आप लोहे आयरन की किसी भी बनवा सकते हैं, जो कि नॉर्मल सी रेलिंग है, लेकिन आपका मॉडल बेहतरीन देखने को मिलेगा। यही पूरा मॉडल मैंने बनाया था, जो कि 3 बेडरूम है, लो बजट है, विलेज के लिए प्रॉपर तरीके से वेल डेकोरेटेड है। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएँ। अगर आप इसका बजट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस मॉडल में बनवाने में पैसा कितना लगेगा, तो इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है स्मॉल हाउस प्लान नाम से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। जैसा भी आपको ये वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।